तो यदि कर्मा के बुलाने से भगवान आ सकते हैं, हमारे बुलाने से क्यों नहीं आ सकते हैं वो? है, एक आपको एक गूढ़ बात बताऊं, हम कभी भगवान को बुलाने मंदिर में जाते ही नहीं है। हम जब भी जाते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं। और याद रखिएगा, जहां बहुत मांगा जाता है ना, वहां से प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आपसे कोई नृत्य मांगने लगे, आप उसको पसंद करेंगे? भगाओ जब आता है कुछ मांगता है। जब आपसे नृत्य मांगा जाए आपको अच्छा नहीं लगता, इनसे रोज मांग रहे हैं तो क्या इनको अच्छा लगता होगा? हमारे पास भगवान नहीं आएंगे, क्यों? ये निर्मल नहीं हुआ है। हमारे पूज्य महाराज श्रीपद गाते हैं, अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, घर वाला आंगन नहीं, यहां वाला और यहां वाला है? किसी दूसरे का अच्छा देख के अपने को टेंशन हो जा रहा है, ये मन की मलिनता है। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरे, हर कोने में गंदगी है, कषाय की लगी हुई है ढेरे, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरे, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसे राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसे राह भूले ने हमसे पाया नहीं, सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर
ईश्वर काया भास मिले। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं गुहारा, मन का आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। और श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं बिचारा, इस पर हमने नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कभी नहीं आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जैसे चल रहा है कभी नहीं आएंगे भगवान। मन निर्मल करिए। राम जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, राम जी कह रहे हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं ना आप लोग? सुंदरकांड कभी पढ़े हैं? सप्ताह में पढ़ते होंगे। सुंदरकांड में राम जी कहते हैं, किससे कहते हैं? सुग्रीव जी से। क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, भावा भावा मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन निर्मल हो जाएगा तो हमको भगवान को नहीं ढूंढना है, भगवान हमको ढूंढने लगेंगे। ऐसे कई उदाहरण है। शबरी जी राम जी के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी जी के पास गए थे। क्यों? मन निर्मल हो गया। केवट भैया राम जी के पास नहीं गए, राम जी केवट जी के पास गए थे। कोल भील मेरे राम जी के पास नहीं गए थे, राम जी अयोध्या से निकलकर कोल भीलों के पास चले गए थे चित्रकूट में। ये मन की निर्मलता का प्रभाव और परिणाम है। मन निर्मल करिए। कोई महाराज हमसे कपट भाव रखता है, उसके लिए उसको रखने दीजिए। साधु को दूसरे के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, ये पहला सिद्धांत। यदि कोई आपके साथ गलत सोच रहा है उसको सोचने दीजिए। आप जहां हैं वहां बने रहिए। हिसाब होगा, उनका अलग हिसाब होगा, अपना अलग हिसाब होगा। ऐसा कोई व्यवहार ना किया जाए माई बाप कि जब हिसाब होने लगे तो हम सिर ऊपर ना उठा पाए।